हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट गृह कौशल का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है पाक कला। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से रिक्त स्थानों की, क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? भोजन परोसने का स्थान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो भोजन परोसने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित होकर, कैसा होकर? प्रसन्नचित, यानी कि वो एकदम खुश हो, प्रसन्नचित होकर ही भोजन परोसना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सही व गलत पर चिन्ह लगाइए। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या है? भोजन खाने के बर्तन अस्वच्छ होने चाहिए। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, भोजन परोसना भी एक कला है। ये सही है या गलत? सही। अब हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु का क्वेश्चन है, आम के पना की आवश्यकता कब पड़ती है? तो आम के पना की आवश्यकता कब पड़ती है? आम के पना की आवश्यकता लू लगने पर पड़ती है। ठीक है, क्या लगने पर? लू। तो ये यहाँ लिख लेंगे हम, जब गर्मियों में लू लगती है तभी तो आम का पना की आवश्यकता पड़ती है, लू लगने पर। ठीक, लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन प्रयोग करना चाहिए? किस प्रकार का बेसन प्रयोग करना चाहिए? भुना हुआ बेसन। कैसा? भुना हुआ। ठीक, तो हमारे अति लघु प्रश्न हो चुके हैं। अब हमारे पास लघु, लघु का क्वेश्चन 1 है, आम का पना बनाने की विधि लिखी है। तो ये विधि मैं आपको दूसरे पेज पे लिखवा देती हूँ, बड़ी है। तो देखो, आम का पना बनाने की विधि, सबसे पहले मैं सामग्री लिखवाऊंगी आपको। कच्चा आम कितने होने चाहिए? 3। चीनी 150 ग्राम होनी चाहिए। पुदीना पत्ती 1/2 कप। भुना जीरा पाउडर 2 छोटा चम्मच। काला नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए। काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच और पानी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अब हम विधि को देखते हैं। सामग्री तो आप मैंने आपको बता दी, अब विधि देखो। सर्वप्रथम आम को छीलकर धो लेते हैं, इसके बाद उन्हें बीच से काटकर कुठली अलग कर देते हैं। अब आम के गूदे को 1 कप पानी के साथ कुकर या भगोने में रखकर उबाल लेते हैं। उबला आम ठंडा होने पर उसमें शक्कर, काला नमक और पुदीना मिलाकर मिक्सी में पीस लेते हैं। पिसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला देते हैं। साथ ही उसमें भुना जीरा एवं काली मिर्च पाउडर भी मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लघु का सेकंड क्वेश्चन, भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए भिंडी को काटने से पहले? देखो, भिंडी को काटने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। ठीक है, काटते समय उसे अच्छी तरह धोकर और साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास दीर्घ प्रश्न। दीर्घ का पहला प्रश्न है, भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दीर्घ है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे हम। तो देखो, भोजन परोसते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात? पहली बात है, सबसे पहले परोसने के स्थान पर पानी रखना चाहिए। दूसरी बात है, परोसने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। और तीसरी बात है, परोसने वाले साफ सुथरे व प्रसन्नचित होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट है कि भोजन में सलाद आदि सामग्री अच्छी तरह धुली व प्लेट में सजी होनी चाहिए। ठीक है,
ऐसे रख देती हूँ मैं। मैं चौथा ऑप्शन दोबारा से बता देती हूँ। भोजन में सलाद आदि सामग्री अच्छी तरह धुली व प्लेट में सजी होनी चाहिए। उसके बाद परोसने की जगह पर अच्छा वातावरण, मधुर संगीत, मधुर वार्तालाप होना चाहिए। खाने वाले व्यक्ति से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर उसे भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी। परोसते समय सभी व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। भोजन के पश्चात यथासंभव लौंग, गरी, मिश्री, इलायची खाना खाने वाले को देनी चाहिए। ठीक है, भोजन के पश्चात ये चीज़ें देनी चाहिए, लौंग जिससे उसके जो मुंह है उसमें खुशबू बनी रहे, मिश्री, लौंग, गरी, इलायची आदि चीज़ें उसे देनी चाहिए जब वो भोजन खा ले उसके बाद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तहरी बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, तहरी, तो इसे भी मैं लिखवा देती हूँ आपको। तहरी बनाने की विधि में पहले हम सामग्री लिखेंगे। ठीक है, सामग्री में क्या है, चावल 500 ग्राम, हरी मटर 250 ग्राम, आलू 2 या 3, प्याज 1, अदरक छोटा टुकड़ा, हल्दी 1 छोटा चम्मच, तेल 50 ग्राम, नमक स्वादानुसार लेना है, और एक प्रेशर कुकर और भगोना, कलछुल, थाली। ठीक है, ये सामग्री हो गई। अब बनाने की विधि बताती हूँ मैं आपको। बनाने की विधि है, चावल साफ करके धो लें, आलू छीलकर टुकड़ों में काट लें, फिर प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और टमाटर को काट लें। प्रेशर कुकर में तेल गर्म होने पर प्याज, अदरक, हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने पर भूनें। आलू, मटर, टमाटर डालने के बाद सभी को मिलाएं। प्रेशर कुकर में उंगली को एक पोर डूबने के बराबर पानी डालकर नमक मिलाएं। कुकर बंद करके 2 सीटी पर उतारकर और खोलकर हरा धनिया मिलाकर परोसें। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ से। तो मैंने आपको दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन भी करा दिया है। उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क। 6 व्यक्तियों के भोजन हेतु कौन सी खाद्य सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए, माँ के साथ चर्चा करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद करना है, ये कॉपी में लिखना नहीं है। तो आपको चैप्टर की वीडियो कैसी लगी? अगला चैप्टर है हमारे पास 11 चैप्टर है अगला, गृह प्रबंध। तो आपको चैप्टर 10 का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसी तरह की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ।